डायबिटीज फूड या फिर जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, शुगर है, मधुमेह है, और उनको जब पैरों में जख्म होते हैं या फिर तनों में जख्म होते हैं, तो उनको हम डायबिटिक फूड कहते हैं। तो इनमें बेसिकली ये डायबिटिक फूड इसलिए अलग है क्योंकि जिन जिन पेशेंट्स में शुगर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे नॉर्मली खाली पेट का जो शुगर है वो 70 से लेकर 100 तक होना चाहिए, खाना खाने के 2 घंटे के बाद का जो शुगर का आंकड़ा है वो 100 से 140 तक होना चाहिए, और जो HbA1c है जो 3 महीने का आपका एवरेज शुगर दिखाता है वो 6.5 या फिर 6.4 से नीचे होना चाहिए। जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ जाते हैं, शुगर्स बढ़ जाते हैं, तो ये हमारे जो पैरों के जो नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं और जो नसें हैं, दोनों भी वक्त के साथ बहुत हद तक डैमेज हो जाती हैं। इसलिए ये जो पैरों के जख्म है वो अच्छे से रिपेयर ही नहीं हो पाते, ठीक ही नहीं हो पाते। तो बहुत कॉमनली ये जो जख्म है वो अच्छे से भर नहीं पाते हैं, इसके वजह से इस प्रकार के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे स्थिति में इनको एंटीबायोटिक दे के ठीक करना जल्दी से जल्द बहुत आवश्यक होता है। ये जो जख्म है उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको जितना हो सकता है रोज़ साफ करना चाहिए। आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको डेफिनेटली किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि ये जो जख्म है रोज़ साफ हो सके, उसकी अंदर की गंदगी पूंछ वो निकाल सके। ये जो जख्म है बहुत फ्रेश हेल्दी होना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्दी भर पाए। इसको बिल्कुल भी आपको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और जितना हो सकता है ये आप अगर नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के जख्म आपको बार बार हो, आपको खाली पेट का शुगर, खाना खाने के बाद का शुगर और 3 महीने का शुगर जितना हो सकता है टाइटली कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। ये छोड़कर जिनको इस प्रकार के जख्म नहीं है और जिनको डायबिटीज़ है, उनको रोज़ आप जब नहाते हैं तो आपके पैर अच्छी तरीके से देख लेने चाहिए कि आपको छोटे मोटे जख्म तो नहीं है, और अगर छोटे मोटे जख्म है तो आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और उसको जितना जल्दी हो सकता है ठीक कर लेना चाहिए। थैंक यू।